चाइना के शेंजी के अंदर एक बंदा था जिसको 25 साल पहले एक हैंडल मिला था उसके खेतों से, जिस हैंडल से वो अखरोट तोड़ रहा था पिछले 25 सालों से, जिसके बाद में किसी बंदे को मालूम होगा इस हैंडल के बारे में। तो उसने देखा तो उसने इसको बताया, अबे क्या कर रहा है, ये लाइव हैंड ग्रेनेड है जिससे तू अखरोट तोड़ रहा है पिछले 25 सालों से। शुक्र मना मोहल्ले वालों के अखरोट बच गए, वरना सबके अखरोट फूट जाते। फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको, आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। हम सभी को ऐसा लगता है कि अमेरिका के अंदर लोगों की क्या लाइफ होती है, क्या जीते हैं वो, लेकिन मैं आपको बता दूं न्यूयॉर्क के अंदर इतने ज़्यादा होमलेस पीपल हैं जो कि स्ट्रीट में रहते हैं, पुलों के नीचे सोते हैं, जहां पर वो एक्सपेंसिव फूड ऑर्डर करते हैं कई रेस्टोरेंट से ताकि वो तो वो खा ही लें और इसी के साथ साथ जब वो बिल ना पे करें तो वो जेल में चले जाए, क्योंकि जेल में 3 बार खाना मिलता है एक दिन में और इसी के साथ साथ क्लीन बेड मिलता है, सर पर छत होती है, लेकिन वो बड़ा क्राइम नहीं करना चाहते क्योंकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और इसी तरीके के छोटे मोटे क्राइम करके वो जेल में जाते हैं जानबूझकर। आपको ये जोमैटो गाय तो याद ही होगा जिसने बीच रस्ते में रुककर किसी का ऑर्डर खाना शुरू कर दिया था और उसके बाद में वापस पैक कर दिया था ताकि लगे ना कि ये ऑर्डर खाया हुआ है और पहुंचा भी दिया था, हालांकि इसको ट्रेस कर लिया गया था और इस पर एक्शन भी लिया गया था। जहां पर 2012 में इसी से थोड़ा रिलेटेड मामला हुआ था जहां पर बर्गर किंग का एक एम्प्लॉई कुछ ऐसी इमेज सोशल मीडिया पर डाल देता है और ये कह देता है कि तुम कुछ इस तरीके का खाना खाते हो, जिसके बाद में ठीक 20 मिनट बाद, लोगों ने टाइम ही नहीं लगाया, 20 मिनट बाद इसकी ब्रांच को डिटेक्ट कर लिया था और इसी के साथ साथ इस एम्प्लॉय पर भी एक्शन तुरंत ही ले लिया गया था और इसको निकाल दिया गया था बर्गर किंग से। आपको मालूम है एक बर्ड है जो दुनिया की लाउडेस्ट बर्ड कहलाती है, मतलब उसकी आवाज इतनी ज्यादा तेज है कि कान फाड़ देती है, इसकी आवाज किसी ट्रेन के हॉर्न के बराबर होती है जो कि 125 डेसिबल्स तक जा सकती है। इसका नाम है द वाइट बेल बर्ड, ये सिर्फ ब्राजील और वेनेजुएला के अंदर ही पाई जाती है। बग बाउंटी आज के वक्त में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो चुकी है, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज खुद से कहती है कि हमारे सिस्टम के अंदर आप कोई बग ढूंढ के दिखाओ जिसके बाद में हम आपको इनाम देंगे, लेकिन ये बग कोई ऐसे लल्लू पंजू बग नहीं होने चाहिए, बड़े बग होने चाहिए, मतलब कि सिक्योरिटी थ्रेट होना चाहिए, किसी को किसी का डाटा लीक हो जाए, किसी की इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, इस तरीके का बग होता है तो वो आपको इनाम का हकदार समझते हैं। अब इसी तरीके से एप्पल ने भी एक बग बाउंटी निकाल दी है जहाँ पर वो कह रहे हैं हमारे किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो मैक प्रो हो, एप्पल टीवी हो या फिर आईफोन हो या फिर कोई भी प्रोडक्ट हो हमारा, उसके अंदर अगर आप कोई सिक्योरिटी बग ढूंढ के दिखा देते हो हम आपको $1,00,000 का इनाम देंगे, यानी कि 70,00,000 रुपए हो जाते हैं। अगर आप भी यूज करते हो कोई एप्पल का प्रोडक्ट और आपको लगता है कि यहां पर ये बग है, इस तरीके से किसी की इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, काफी ज्यादा सिक्योरिटी थ्रेट है इस प्रोडक्ट के अंदर, तो आप इसकी रिपोर्ट दे सकते हो एप्पल को कि इस तरीके का बग है, इसको आपको फिक्स कर लेना चाहिए। अगर उनको लगेगा कि ये कोई सिक्योरिटी थ्रेट है तो वो आपको इनाम जरूर देंगे। अब कई लोगों के अंदर एक ही बात घूमती है कि मैं ये बग की रिपोर्ट कहां दूं, क्योंकि सबको पता है कि भैया अगर मैंने गलत जगह दे दी और उस बंदे को ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि इस तरीके का बग है तो वो कहीं दे देगा तो कहीं इनाम उसे ना मिल जाए। तो यहां पर देखो बग बाउंटी के लिए एक अलग से सेपरेट पेज होता है, जैसे कि एप्पल का है बग रिपोर्टिंग, जहां पर अगर आप बग रिपोर्ट करते हो और उनको लगता है कि हाँ इसने सही बग ढूंढ दिया तो वो आपको इनाम देंगे, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे भी दी है। आई एम श्योर आप सभी लोगों को ब्रेन लिपी के बारे में तो मालूम ही होगा, जिसको जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो फील कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं उसको। अब इसी तरीके की एक स्मार्ट वॉच बनाई गई थी जिसको ब्रेल स्मार्ट वॉच कहा गया था, जो कि साउथ कोरिया के डेवलपर डॉट ने बनाई थी और ये दुनिया की पहली स्मार्ट वॉच थी जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए थी, जिसको वो फील कर सकते थे और ये एग्जैक्ट टाइम भी बताया करती थी। साउथ कोरिया के अंदर एग्जाम के वक्त में स्कूलों के या फिर कॉलेजेस के रूफटॉप को लॉक कर दिया जाता है, वहां पर कोई बच्चा नहीं जा सकता है क्योंकि उनको ये डर लगता है कि कहीं बच्चे को एग्जाम में कुछ आता ना हो और ऐसा ना हो जाए कि वो ऊपर जाके सुसाइड करने की कोशिश करे, जिस वजह से हमेशा उन गेटों को लॉक कर दिया जाता है जिससे वो टॉप फ्लोर पे जा सकते हैं। ईरान के दो चेस ग्रैंड मास्टर जिसमें से एक थी दौरशा दरकशानी और दूसरा था बोर्ना दरकशानी, इन दोनों को ही बैन कर दिया गया ईरान के अंदर कि ये चेस नहीं खेलेंगे अब ईरान की तरफ से, क्योंकि लड़की ने हिजाब नहीं पहना था चेस खेलते वक्त में और लड़के ने किसी इजरायली प्लेयर के साथ में चेस खेली थी, जिसके बाद में दोनों को ही तो बैन कर दिया गया। लेकिन उसके बाद में दो कंट्री ने इनकी तरफ हाथ बढ़ाया, इंग्लैंड ने बोर्ना दरकशानी की तरफ हाथ बढ़ाया
और उनको अपनी सिटीजनशिप दे दी और उसके बाद में अब वो इंग्लैंड के लिए खेलते हैं। और दौरसा दरकशानी को यूएस ने हाथ दिया कि आप हमारे सिटीजन बन जाओ और इसके बाद में हमारे लिए खेलो, जिसके बाद में अब ये दोनों ही अलग कंट्रीज के लिए खेला करते हैं। हम सभी को ऐसा लगता है कि VR हेडसेट सिर्फ गेमिंग वगैरह के लिए ही होते हैं, लेकिन इसको मेडिकल में भी यूज़ किया जाता है, जहाँ पर जब कई सर्जरीज हो रही होती है और बच्चों को बहुत ज़्यादा घबराहट होती है तो उनको ये पहना दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करें और इसी के साथ साथ उनकी सर्जरी भी सही से हो जाए। फिलहाल के लिए इस अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। और इसी के साथ साथ जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, देखते हैं कौन सही आंसर बताता है। एक ही दुकान में एक चोर घुसता है और वो 100 का नोट चुरा लेता है, जिसके बाद में से वो उसी 100 के नोट से ओनर से कहता है कि मुझे 70 रुपये की ये चीज़ चाहिए और मुझे बाकी के चेंज वापस दे दो, तो उसे 30 रुपये भी वो वापस मिल जाते हैं। तो यहाँ पर चोर ले गया कुछ चीज़ें 70 रुपये की और 30 रुपये उसे एक्सचेंज में भी मिल गया। अब ओनर ने दुकान के कितना लॉस सहा इस चक्कर में, देखते हैं कौन सही बताता है। अगले ARF में इसका जवाब देंगे और देखेंगे कौन कमेंट में सही बताता है। फिलहाल के लिए अगर इसी टाइप की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया है तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।